अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो इसी रियल एस्टेट चैनल में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद नूरुद्दीन फिर एक न्यू वीडियो के साथ, फिर एक नए लोकेशन के साथ। आज की जो वीडियो है हाशमाबाद से, बिल्कुल रोड से भी मैं इस वीडियो आपको बताऊँगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। हम आपको आज जो मकान बताने वाले, ये वाला मकान है जो कि G+1 है, नीचे एक शटर भी है, 100 स्क्वायर यार्ड पर रजिस्टर्ड है, टैक्स पेड है, डायरेक्ट ओनर है, ओनर से आप कॉन्टैक्ट करके साइट विजिट कर सकते हैं। आबादी अच्छी है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आके जायज़ा लेके आप परचेज़ कर सकते हैं। रोड से वीडियो स्टार्ट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा, मस्जिद में खरीब और बजाज इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन हॉल्स, ऐसे कई सारे लैंडमार्क आपको खरीब में है। तो मकान की डिटेल आए के बाद स्टार्ट करेंगे, पहले रोड से वीडियो स्टार्ट करेंगे। रजिस्टर्ड है, टैक्स पेड है, 44 लाख आस्किंग प्राइस है, स्लाइडली निगोशिएबल है। चलिए आइए रोड से वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अंदर जाके सारा जायज़ा लेते हैं। लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, ये बल्लावड़े से आने वाली रोड है, आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड से, और आगे आपको चंद्रानगुट्टा जाने वाली रोड है, यानी कि बजाज इलेक्ट्रॉनिक से पहले आगे बजाज इलेक्ट्रॉनिक भी आपको राइट साइड में, उससे पहले आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है। देखिए ये ATM से, मस्जिद सईद से, मेन रोड से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पर आपका ये मकान है, अच्छी आबादी में है, घर के ऊपर आपको बोर नल और टैक्स पेड है, रजिस्टर्ड है, कमर्शियल स्पेस के साथ है। तो देख सकते हैं आप मेन रोड से कितनी दूर में आपका मकान है। आबादी के बीचों बीच है, बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे, वीडियो में कंटिन्यू में रखा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कितनी दूर के एरिया पे आपका मकान है। सराउंडिंग में आपको हर वो चीज़ की फैसिलिटीज है, स्कूल, मस्जिद और बजाज इलेक्ट्रॉनिक शोरूम भी आपको बिल्कुल करीब में है, और फंक्शन हॉल्स भी काफ़ी करीब में, RTO ऑफिस भी बिल्कुल करीब में आपको यहाँ से, RTO ऑफिस और मिराज गार्डन, बल्लावड़ा, चंद्रानगुट्टा पे आपको रिलायंस, यानी कि सब चीज़ की सहूलत है आपको। तो बिल्कुल रोड से आप देख सकते हैं मस्जिद सईद के पास से सीधा अंदर आना है, अंदर आए के बाद कॉर्नर बीट का दो रोड का ये मकान है जो कि राइट साइड में आपको मिलने वाला है। तो आ गए हम बिल्कुल अपने मकान के बिल्कुल करीब में, ये रहा आपका मकान जो कि इसका एलिवेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। ये मेन गेट है, चलिए आइए अंदर जाते हैं और सारी डिटेल लेते हैं। एलिवेशन कुछ इस तरीके से, चलिए आइए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं। G+1 कंप्लीट है, मेन गेट से जैसा एंटर हो रहा है आपको यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओपन प्लेस मिलने, कुछ इस तरीके से ओपन प्लेस मिलने वाली है। सम है, बोरवेल है, घर पे अवेलेबल देख सकते हैं, टैक्स पेड है, 100 स्क्वायर यार्ड का मकान है G+1। अगर रेंट की हम बात करेंगे, नीचे 7000 इसका रेंट आने वाला है और फर्स्ट फ्लोर पर इसका 7000 रेंट आने वाला है, यानी कि 14000। अगर मलगी के साथ बात करेंगे आपको 15000 तक यहाँ पर इसका रेट आपको मिल सकता है। ये आपका हॉल है, रिसेंटली इसका पूरा कलर कराया हुआ है और इसमें किराएदार थे, खाली करके आपको इसमें पूरा कलर कराया गया है। ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, ये हॉल था आपका, नीचे कुछ इस तरीके से यहाँ पर वेंटिलेशन आपको मिलने वाली है। और यहाँ से फिर हम जाएंगे इसके अंदर, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक मलगी है, दो रूम है, एक हॉल है, यह आपका फर्स्ट बेडरूम, आपको इसमें किराएदार थे अभी, यानी कि पूरा साफ करना था, कलर पूरा हो गया इसका मकान का, देख सकते हैं आप कलर पूरा हो गया, पूरा नीट तरीके से कलर किया गया है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पेस है, आपको स्टोरेज स्पेस, यहाँ वेंटिलेशन है, दो रोड का मकान है, G+1 है, नीचे 7000 ऊपर 7000 आपको इसका रेंट आने वाला है, मलगी का अलग से 2000 रुपये आएगा, यानी कि 15000 इसका पूरा गुल मिला के रेंट मिल जाएगा। ये एक बेडरूम है अटैच वाशरूम के साथ, देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको अटैच वाशरूम मिलने वाला है, रजिस्टर्ड है, टैक्स पेड है, डायरेक्ट ओनर का नंबर है, दो रोड का मकान है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको स्टोरेज स्पेस मिलने वाली है। तो यहाँ से फिर हम आ गए हैं, यहाँ पर आपका किचन और ये आपका जनरल वॉशरूम। ये किचन देख लीजिए आप, ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर किचन मिलने वाला है, इसमें बोर और नल दो भी अवेलेबल है, ये हो गया। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन स्पेस है, रास्ता है, यहाँ पर भी कुछ स्पेस मिलने वाली है। और ये आपका जनरल वॉशरूम, दो रूम, हॉल और एक नीचे आपको कमर्शियल स्पेस मलगी, और सामने थोड़ी पोस्ट स्पेस ओपन है, फिर ऊपर जाने का हिस्सा, ऊपर जाएंगे, ऊपर अभी किराएदार है इसके ऊपर अवेलेबल है, आप अगर चाहे तो उनको भी कंटिन्यू रेंट पे रख सकते हैं, या नहीं बोल तो खाली करा के आप मकान परचेस कर सकते हैं। नीचे के लोग रिसेंटली खाली करे, नीचे का पूरा कलर हो गया, ऊपर किस तरीके से बना हुआ है अपन वो भी जानकारी करते हैं। चलिए आइए ऊपर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आने का हिस्सा है, देखिए आप फर्स्ट फ्लोर पे किस तरीके से मकान बनाया मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर का जायजा लेते हैं। ऊपर कुछ इस तरीके से आपको मकान मिलने वाला है, जैसा हम इंटर हो रहे हैं ये आपका हॉल है, जैसा नीचे मलगी थी तो उसको सारा
ऊपर की तरफ आपको ज़्यादा ओपन प्लेस मिलने वाली है, यानी कि हॉल काफ़ी बड़ा रहने वाला है। ये आपकी बालकनी आप देख सकते हैं। सराउंडिंग एरिया अच्छा है माशाल्लाह, और पीसफुल एरिया है, डेड एंड में है अपना, कॉर्नर बिट पे दो रोड का मकान है। टेरेस पे भी जाके सराउंडिंग एरिया बताऊंगा मैं। और वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है आप देख सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन है। तो ये हॉल है, काफ़ी बड़ा है हॉल ऊपर का, और इसके अंदर लेडीज़ है, इसीलिए मैं आपको नॉर्मल ऐसा थोड़ा थोड़ा वीडियो बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से फिर हम जाएंगे, यहाँ पर दो रूम मिलने वाले, जैसा नीचे अपने को दो रूम हॉल और कमर्शियल स्पेस ही, तो ऊपर दो रूम हॉल काफ़ी बड़ा है, यानी कि कमर्शियल स्पेस की जगह उसमें यूज़ हो गई। तो सेम नीचे जिस तरीके से, उस तरीके से ऊपर भी मिलने वाला है। यहाँ पर लेडीज़ है इसीलिए थोड़ा बहुत परेशानी होगी आपको बताने। सामने की तरफ किचन है, कॉमन वाशरूम, ये एक बेडरूम है, इसमें भी लेडीज़ है, और यहाँ पर भी एक बेडरूम है, इसमें भी लेडीज़ है। तो ये कॉमन वाशरूम, इसके अंदर अटैच है ना अपने को अंदर के रूम में, हाँ ये रूम में अटैच वाशरूम है, कॉमन, सामने किचन, ये रहा आपका हॉल। तो ये G+1 मकान है, ऊपर किराएदार इस वक्त मौजूद है। चलिए आइए टेरेस पे जाएंगे, थोड़ी बहुत डिटेल से बात करके वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टेरेस पे कुछ इस तरीके से आपका मकान मिलने वाला है। ऊपर दो टैंक है आपको, बोर का, नल का, अलग अलग। टैक्सपेड है, रजिस्टर्ड मकान है, G+1 है, और 2 का फाउंडेशन है। व्यू देख सकते हैं आप सराउंडिंग, यानी अपोजिट में ये आपको सामने की कॉलोनी जो है मिराज गार्डन के बैक साइड में, बहुत ही शानदार वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, G+1, G+3, 2, 5 बिल्डिंग्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सराउंडिंग में अच्छा आपको देखा आबादी अच्छी मिलने वाली है। सामने देखिए रोड देख सकते हैं आप, ड्रेनेज की फैसिलिटीज है, रोड की, नल की। टैक्स पेड है, रजिस्टर्ड है, डायरेक्ट ओनर है। आप साइट विजिट करिए, आपको आइडिया हो जाएगा किस एरिया में कैसा मकान है। और 44 लाख का प्राइस है, स्लाइडली निगेशियबल है, ओनर से बात करके मोड ऑफ पेमेंट के हिसाब से आप बात कर सकते हैं, एक कमर्शियल स्पेस के साथ है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एड के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।